अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, आज काफ़ी दिन के बाद मैंने सोचा कि एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग। अच्छा, बीइंग एज अ माई सेल्फ एज अ टीचर, मैंने हमेशा एक बात देखी कि देखें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे हो सकती है। कॉन्सेप्ट सबसे पहले इस मतलब को समझें, व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मींस अंडरस्टैंडिंग, डेवलपमेंट, क्रिएशन। सो हाउ डेवलप, अंडरस्टैंड, क्रिएटेड, इसका एक आसान तरीका ये हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, व्हाटएवर सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स। अब सब्जेक्ट से रिलेटेड पहले एक चीज़ के बारे में बताना, जानना कि वो चीज़ है क्या, उस चीज़ के बाद उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन करना, समझाना बच्चे को, उसके दिमाग में उसकी क्रिएटिविटी पैदा करना, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कहलाता है। हम में से बाज़ लोग एक ही चीज़ को बुकलिश वे से जाते हैं। मैं खुद कहती हूँ कि देखें, जब तक एक चीज़, जैसे केमिकल बाउंडिंग है, व्हाट इज़ केमिकल बाउंडिंग। अच्छा, केमिकल बाउंडिंग है क्या? केमिकल बाउंडिंग का मतलब है कि एक केमिकल या केमिकल फॉर्मूले का जानना, समझना और बताना। अब फिर बाउंडिंग या उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना, अगर ये प्रैक्टिकली हो, ऑल दो मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ के सिस्टम में 1902-1904 का सिस्टम चल रहा है, बट हम उन चीज़ों में ज़्यादा बेहतर तरीके से उस वक्त अंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं जब उन चीज़ों में बच्चे के अंदर क्रिएटिव एबिलिटी पैदा कर सके। हर सब्जेक्ट, जैसे मेरा खुद एक सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडीज़ है, तो मैं ये कहती हूँ कि मुतायला के बारे में जब तक बच्चा उस बारे में जाने ना, उस बात को समझे ना, उसके बावजूद उसको कैसे करें। ठीक है, मुतायला में भी देखिए हिस्ट्री है, सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट, ये सब कुछ टीचर या उस्ताद का रोल है कि एक क्लासरूम में बच्चे को सबसे पहले उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग एबिलिटी पैदा करना, बजाय इसके कि उसको बिल्कुल ही बेजार कर देना और बिल्कुल ही उसको डल कर देना रिलेटेड टू द टॉपिक। तो बात सिर्फ इतनी सी आती है कि करेक्टिव बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तभी पैदा होती है जब बच्चे के अंदर उस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट पैदा किया जाए। कॉन्सेप्ट है क्या? कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट, CONCEPT, कॉन्सेप्ट। सेप्ट मीन्स डेट्स एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, व्हाट इज़ एक्सेप्टेंस, एट एज एक्सेप्टेंस मीन्स कि एक चीज़ के बारे में एक्सेप्ट बच्चा करे, उस्ताद बोल रहा है और वो बच्चा उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कहलाता है। एक चीज़ का समझना और समझाना और वो चीज़ बच्चे के अंदर डालना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है कि बच्चे के अंदर, उस्ताद का काम ये बनता है कि वो बच्चे के अंदर ये चीज़ों को डेवलप्ड कर सके। ठीक है, थैंक यू।